गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रेन आई होप यू ऑल विल बी फाइन लेट्स वी कंटिन्यू स्टार्ट नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर एट मैन द लिविंग मशीन एज यू आर हियर द गिवन बिसाइड पिक्चर अबाउट द द्यूमन बींग फर्स्ट वी डू गेट सेट नेम अ बॉडी पार्ट विच राइम्स विद द गिवन वर्ड्स इसमें देख रहे हो ना कुछ इसमें वर्ड्स दिए गए हैं जैसे नेक्स्ट कार्ड सी साउथ चेक डम्प सिडनी थीन ठीक है ना ये अलग अलग वर्ड्स दिए गए हैं इनसे मिलता जुलता आपको राइमिंग वर्ड इनके सामने फिलअप करना जैसे नेक्स्ट का क्या हो गया चेस्ट ई एस टी लगाया ना कार्ड का हार्ट सी का नी इसमें डबल ई आई इसमें भी आया नी साउथ का माउथ है वो यूटीएस माउथ हो गया आउथ आ रहा है बोलने में चेक नेक ठीक है ना इस तरह से फिलअप कर लेंगे यू सी लेट्स वी स्टडी अबाउट डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी हमारी जो बॉडी है ना इसमें बहुत सारे ऑर्गन्स होते हैं अब ये ऑर्गन्स क्या होते हैं आपको तो पता है हमारी जो बॉडी है वो किससे मिल करके बनी है बेटा छोटे छोटे सेल्स से मिलकर के बनी है ठीक है जैसे हमारे घर की जो दीवारें होती हैं चारों दीवारें वो एक एक ईंट को जोड़ करके तैयार की गई हैं ठीक है थीके? सीमेंट भी लगा है बट ईंट भी उसमें लगा तो मेन जो उसका यूनिट है वो क्या है ईंट है इकाई उसकी ईंट है तो जब ब्रिक्स को जैसे जैसे ज्वाइंट करके पड़ी सी वॉल बनी है ऐसे ही एक एक सेल मिला करके हमारे बॉडी के अंदर टिश्यूज बने हैं सेल क्या होते हैं टिश्यूज़ होते हैं टिश्यूज़ क्या होते हैं ये सेल्स का ग्रुप होता है ठीक है थोड़ा सा इसके बारे में बताना चाहेंगे जैसे ये मान लो ये सेल है ओके ये हमारा जो बॉडी है ना इस तरह से छोटे छोटे सेल्स से मिलकर के बना होता है ठीक है ये बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सेल्स होते हैं जैसे हमारे घर की जो दीवारें होती हैं उनमें ब्रिक्स होते हैं ना ऐसे ही ज्वाइंट्स होकर के ये ये क्या है सेल्स हैं ठीक है थीके? बहुत सारे सेल का जो ग्रुप है इसमें ये न्यूक्लियस होता है आगे क्लास में पढ़ोगे न्यूक्लियस क्या होता है ठीक तो जैसे जैसे ये आ, सेल्स का ग्रुप बढ़ता जाता है ये अगर ये सेल्स जो है फंक्शन सबका एक है जैसे ये ब्लड बनाने वाला भी सेल है ये भी ब्लड बनाता है ये भी ब्लड बनाता है ये भी ये भी सार एक ही काम करते हैं और सबका शेप साइज बनावट सब एक जैसा है तो ऐसे सेल्स के ग्रुप को क्या कहते हैं बेटा ऐसे सेल्स के ग्रुप को कहते हैं टिश्यूज़ ठीक है तो सेल से क्या बन गया सेल से बन गया टिश्यूज ओके और बहुत सारे इस तरह से टिश्यू मिल करके बनाते हैं हमारे बॉडी के अंदर ऑर्गन्स अंग बनाते हैं ठीक है इससे क्या बनाते हैं अंग बनाते हैं बहुत सारे ऑर्गन मिल जाते हैं जैसे टिश्यू है टिश्यू से लीवर है लीवर के सारे सेल एक जैसे हैं तो कौन सा ऑर्गन बन गया लीवर बन गया अब लीवर के साथ और भी ऑर्गन अटैच हो जाएं बहुत सारे ऑर्गन अटैच हो जाएं लीवर हो जाए स्टमक हो जाए पेंक्रियाज हो जाए ठीक है तो ये सब मिल करके बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम क्या बनाते हैं ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं और बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम जब बॉडी में ऑर्गन सिस्टम बन जाएंगे तो ये पूरा का पूरा एक ऑर्गेनिज्म बन गया लिविंग थिंग बन गया जैसे ह्यूमन क्या है लिविंग थिंग है ना इस तरह से ऑर्गन सिस्टम्स बन गए तो इससे बन गया लिविंग बॉडी लिविंग की बॉडी बन जाती है ठीक है ना तो तैयार हो जाते हैं अ ग्राइंडर एंड ए कंप्यूटर आर आल मशीन्स कार हो या ग्राइंडर हो या कंप्यूटर ये सब क्या ये सभी मशीन्स हैं डू यू नो दैट द्यूमन बॉडीज टू इज अ मशीन आपको मालूम यह जो मनुष्य की बॉडी है ये भी एक तरह की मशीन होती है ठीक है ना इट इज लिविंग मशीन और बट किस तरह का मशीन होता है मशीन देखे और ना जिसमें तेल डालना पड़ता है उसको चलाना पड़ता है समय समय पर रिपेयरिंग करनी पड़ती है उसकी अच्छी देखभाल करनी होती है वो मशीन होती है ठीक और एक हमारा जो बॉडी है वो लिविंग मशीन है क्योंकि ये जिंदा है लिविंग सेल्स का बना हुआ है तो इसको भी हमें जो है प्रॉपर एक्सरसाइज करना होता है प्रॉपर फूड लेना होता है बैलेंस डाइट लेना होता है ताकि ये अच्छे तरीके से काम करें इट कैन सी हियर स्मेल टेस्ट एंड फील जो हमारा शरीर है क्या क्या कर सकता है सी देख सकता है हियर सुन सकता है स्मेल टेस्ट महक सकता है टेस्ट स्वाद ले सकता है एंड फील महसूस कर सकता है कि कोई चीज़ ठंडी है गर्म है क्या है इसकी पोजीशन। इट कैन ऑल्सो मूव ग्रो ब्रेड एंड रिप्रोड्यूस ये जो है मूव करती है ये move मतलब चलती फिरती हमारी बॉडी मूव करती है ना ग्रो छोटे बच्चे से बड़े हो जाते हैं और ब्रेड सांस लेते हैं रिप्रोड्यूस मतलब अपने जैसे ही बच्चे पैदा करने की क्षमता रखते हैं ये लिविंग थिंग्स नो मशीन कैन डू ऑल दिस लेकिन इस तरह की चीजें जो है किसी आर्टिफिशियल मशीन में नहीं हो सकती हैं. अब हम अगर चाहें कि कार ही है तो कार ये सब मूवमेंट तो करता है बट मैकेनिकल एनर्जी से ठीक है अगर उसमें फ्यूल ना पड़े में तो क्या होगा वो मूवमेंट करेगा उसको फ्यूल ना मिले तो क्या होगा वो मूवमेंट तो नहीं करेगा लेकिन हमारी जो बॉडी है उसमें मांसपेशियां हैं ये लिविंग सेल्स की बनी हुई है तो ये भी मूवमेंट करती हैं बट इनके मूवमेंट का तरीका अलग होता है ग्रो बढ़ते भी हैं ब्रेथ भी करते हैं लेकिन ये सारी जो चीज़ें होती है ना बढ़ना सांस लेना रिप्रोड्यूस करना ये नॉन लिविंग थिंग्स में नहीं पाई जाती हैं और जो आर्टिफिशियल मशीन होती है उसमें नहीं पाई जाती हैं ठीक है ना नो मशीन कैन डू ऑल थिंग्स कोई मशीन ये सारी चीजें नहीं कर सकता द ह्यूमन बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स ह्यूमन का शरीर जो है किसका बना हुआ है सेल्स का बना हुआ अभी बताया ना मैंने सेल्स का बना हुआ है सेल्स आर डिफरेंट काइंड सेल्स डिफरेंट काइंड के होते हैं भाई हमारे बॉडी में अलग अलग ऑर्गन्स हैं अलग अलग सेल्स हैं जैसे कि कुछ खून यानी ब्लड को बनाने वाले सेल अलग हैं ठीक है लीवर को बनाने वाले सेल अलग हैं हमारी स्किन को बनाने वाले सेल्स अलग हैं हमारी बोन्स यानी हड्डियों को बनाने वाले जो सेल्स हैं वो अलग प्रकार के होते हैं तो इस तरह से हमारी बॉडी जो है डिफरेंट सेल्स की बनी होती है सेल्स ऑफ सेम क्वेंट सेम काइंड एक ही तरह की सेल्स अगर बनावट और कार्य में यानी फंक्शन में एक जैसे होंगी और ज्वाइन होगी एक साथ तो क्या बना लेती हैं टिश्यू बना लेती हैं टिश्यू टू मेक एन और ये सारे टिश्यू जो एक जैसे दिख रहे हैं एक जैसे काम कर रहे हैं सब एक साथ मिल जाए तो क्या बन जाता है ऑर्गन बन जाते हैं अंग बन जाता है मैनी ऑर्गन टुगेदर फॉर्म एंड ऑर्गन सिस्टम और बहुत सारे ऑर्गन एक दूसरे के साथ मिल करके ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम वर्क टूगेदर टू मेक इट पॉसिबल फॉर द बॉडी टू लर्न अलग अलग प्रकार के जो बॉड काम है ये संभव होता है बॉडी से ही ठीक है ना? हमारी बॉडी प्ले करती है लर्न करती है ग्रो करती है डू मैनी अदर थिंग्स बहुत सारी चीजें करती है जैसे ये देखो ह्यूमन बींग है ना बैडमिंटन खेल रही है बहुत सारे काम है इसमें दौड़ धूपना मूवमेंट करना ह्यूमन बॉडी इज ए बेटर मशीन देन एनी अदर मशीन मनुष्य का जो शरीर है वो अन्य मशीनों की तुलना में बहुत ही बेटर होता है ठीक है ये बहुत सारे काम कर सकता है जैसे ये देख रही है बच्ची आइसक्रीम खा रही है आवर आइज हमारी आंखें देख लिखे हैं ईयर से हम सुनते हैं नो से सूंघते हैं स्मेल लेते हैं टंग से देख रहे हो कैसे टेस्ट करते हैं मीठा है तीखा है खट्टा है कैसा है इसके अलावा हम जो है उसको टच करके देखते हैं जो हमारी स्किन होती है ना काफ़ी सेंसिटिव होती है उसे टच करके देखते हैं कि ये गर्म है कि ठंडा है ठीक है ये सेंस ऑर्गन्स होते हैं ये फाइव सेंस ऑर्गन होते हैं विच हेल्प अस टू नो द वर्ल्ड जिसके सहारे हम पूरे संसार के बारे में जानते हैं